बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री चैप्टर 1, नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री है। फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री और सेल्फ असेसमेंट 1.1 कंप्लीट की थी, और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्फो बॉक्सेस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट इन्फो बॉक्स है पेज नंबर 7 पे, कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ मैटर के बारे में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा इसका एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में। अच्छा, इसमें मेन कंसेप्ट जो है फोर एलिमेंट्स का, जो कि एम.पी. रसेल सोचता था इनके बारे में। उसका ये ख्याल था कि कोई भी अगर चीज़ है, कोई भी जो चीज़ है या मटीरियल है अर्थ पे, वो इन चार एलिमेंट से बन के मिलके बनता है, अर्थ, एयर, वाटर और फायर। अब ये जो चार एलिमेंट्स हैं, एम.पी. रसेल ने सोचा कि इनसे मिलते हैं। अब उसके आगे उसका जो प्लेटो था, जिसने एम.पी. रसेल की थ्योरी को एक्सेप्ट किया और एलिमेंट को उसने एक जो वर्ड था एलिमेंट, इसको उसने हाईलाइट किया या कॉइन किया इसको डिस्क्राइब करने के लिए, इन चार सब्सटेंसेस को डिस्क्राइब करने के लिए। अब आगे उसी के सक्सेसर एरिस्टोटल ने, मतलब कि एक चेंज चलती आ रही है, उसी के सक्सेसर एरिस्टोटल ने यही कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया और उसने इनको डिफ्रेंशिएट किया, और उसने क्या कहते हैं, एरिस्टोटल ने क्या किया कि एक आइडिया इंट्रोड्यूस किया कि एलिमेंट्स किस तरह डिफरेंशिएट उनमें किया जा सकते हैं, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज़ पे, फॉर एग्जांपल हॉट वर्सेस कोल्ड एंड वेट वर्सेस ड्राई, और आगे एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो ये अपने इन्फो बॉक्स जो है याद कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट इन्फो बॉक्स है। सेकेंड इन्फो बॉक्स जो है इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी नहीं आता। और उसके बाद जो थर्ड इन्फो बॉक्स है पेज नंबर 8 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मेन क्वेश्चन आता है, मेन पॉस्टुलेट्स ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी या डिफेक्ट्स ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, मेनली आते हैं पॉस्टुलेट्स। तो ये जो चार पॉइंट्स पॉस्टुलेट्स के दिए हुए हैं, ये 1803 में, अभी डेट भी आ सकती है एमसीक्यू के, 1803 में ब्रिटिश केमिस्ट था जॉन डेल्टन, उसने साइंटिफिक थ्योरी प्रेजेंट की थी एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर एंड एग्जिस्टेंस एंड नेचर ऑफ मैटर पे। तो इसके जो चार मेन पॉस्टुलेट्स हैं, ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। अब आपको पता है कि एलिमेंट्स जो है वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स, यानी कि अब तो डिविजिबल है लेकिन उसके मुताबिक इंडिविजुअल पार्टिकल्स एटम्स से बन के मिले होते हैं। और ये जो एटम्स होते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट, किसी भी एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं और उनका वॉल्यूम और मास भी सेम होता है। अब तीसरा पॉइंट उसने कहा था कि केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स कंबाइन होते हैं और सेपरेट होते हैं या रीअरेंज होते हैं, और वो सिंपल रेशियोज में कंबाइन होते हैं। चौथा पॉइंट जो उसने कहा था, एटम जो है ना बनाए जा सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, लेकिन उसमें से कुछ जो थे वो डिफेक्ट निकल आए थे, एक जो उनमें से डिफेक्ट। अब उसमें एक ये भी मेन बात लिखी है नीचे वाले पैराग्राफ में कि उसने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस भी एक्सप्लेन किया था, तो ये भी आपके एमसीक्यू आ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो उसका डिफेक्ट निकला था वो ये था कि उसने कहा था एटम डिविजिबल नहीं है, इनडिविजिबल है, जबकि बाद में जो था वो क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट हो गया था कि एटम 20th सेंचुरी में डिविजिबल है और उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। दूसरी जो बात उसने की थी कि किसी भी एक एलिमेंट के एटम्स जो हैं उनका सेम मास होगा, सेम वॉल्यूम होगा। अब इसमें भी उसका डिफेक्ट निकल आया कि कुछ जो एटम्स होते हैं उसका मास डिफरेंट होता है, जिनको हम आइसोटॉप कहते हैं, फॉर एग्जांपल आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। इस तरह से जो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी है उसको डिफेक्ट, उसमें डिफेक्ट्स पाए गए और वो चेंज हो गई, जो मतलब डिफेक्ट्स वो चेंज हो गए। पेज नंबर 10 पे हम लोग आ जाते हैं मॉलिकुलरिटी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। ये भी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन इसका कभी कभार आ जाता है क्वेश्चन के व्हाट इज़ मॉलिकुलरिटी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड या राइट मॉलिकुलरिटी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। इस पर इतना इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, ये कभी कभार ज़्यादातर ये नहीं आता। अभी जो डू यू नो है ये एमसीक्यूज के लिए आ सकते हैं कि कौन सी गैस है जो ट्रिडेंट पेंग बैलून में यूज होती है, वो है एसीटाइलीन। नेक्स्ट पेज नंबर 11, ये भी इंपॉर्टेंट इन्फो बॉक्स है। इसमें आ सकता है कि राइट यूज ऑफ गार्लिक और ईटिंग गार्लिक, और इसमें एमसीक्यू भी आ सकते हैं कि कितने कंपाउंड्स होते हैं, 200 कंपाउंड्स होते हैं गार्लिक में। अच्छा, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो पेज नंबर 15 पे है इन्फो बॉक्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कभी भी नहीं आया। लेकिन ये जो मैं अनइम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये नहीं कि आपने इनको छोड़ देना है, इनकी रीडिंग ज़रूर करनी है कम अज़ कम, कि अगर इनमें से कुछ अगर आ भी जाए तो आप इस काबिल हों के लिख सकें। नेक्स्ट इन्फो बॉक्स पे चलते हैं पेज नंबर 18 पे। ये जो पेज नंबर 18 पे इन्फो बॉक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, जैसे राइट अबाउट सीओडो साइंस या व्हाट इज़ एल्केमी, या इसमें 3 इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स बताए हुए, डिस्टिलेशन, सब्लीमेशन, एक्सट्रैक्शन, इनके बारे में पूछा जा सकता है आपसे। अच्छा,
अब ये जो था ये इन साइंटिस्ट का क्या काम था कि ये चीप मेटल्स को गोल्ड बनाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने बहुत मनी और टाइम वेस्ट किया लेकिन ये ना बना सके, तो लेकिन इनका फिर भी जो है ना ये ज़ाया नहीं किया इनकी मेहनत, और इन्होंने जो तीन इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस थे डिस्टिलेशन, सेपरेशन और एक्सट्रैक्शन, इनको इन्होंने किया जो डिस्कवर किया, और इस वजह से ये जो है ना इनका प्रोग्रेस अच्छा रहा, इनकी मेहनत ज़ाया नहीं गई, और ये जो प्रोसेस हैं आज भी यूज़ होते हैं आपको पता है। अब नेक्स्ट जो है ये जो पेज नंबर 18 वाला है, इससे तीन से चार क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, यानी कि मतलब एक इनको बॉक्स तीन से चार आएंगे, तीन से चार जो क्वेश्चन हैं इनमें से कोई एक आएगा। फॉर एग्जांपल व्हाट इज अल्केमी, राइट अबाउट द सीओडो साइंस, राइट अबाउट द प्रोसेस विच वर डिस्कवर्ड इन द पीरियड ऑफ टाइम 600 to 600 AD एंड सो ऑन। नेक्स्ट जो इन्फो बॉक्स है पेज नंबर 19 पे, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें आप इस पेज पे आप लोग जो है याद रख लें, इसमें एवोगाड्रोस नंबर की जो वैल्यू है वो दी हुई है वो याद रख लें, बाकी इसमें कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमने इस चैप्टर के सारे इन्फो बॉक्स कर लिए डिस्कस, इसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट इन्फो बॉक्स हैं, कौन से अनइम्पॉर्टेंट हैं। मैं एक बार दोबारा आपको जो है ना एक बार रिकैप दे देता हूँ। पेज नंबर 7 फर्स्ट इन्फो बॉक्स इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 8 इन्फो बॉक्स इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 10 ये नॉर्मल है, कभी कभी आ भी जाता है, इसको फिर भी याद कर लेना पढ़ लेना, लेकिन सेकेंड डू यू नो है सेकेंड वाला इंपॉर्टेंट। पेज नंबर 11 इन्फो बॉक्स इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 18 इन्फो बॉक्स इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको दोबारा से तमाम इंपॉर्टेंट इन्फो बॉक्स के बारे में बता दिया, इसके अलावा बाकी जो हैं वो अनइम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन उनको आपने ज़रूर एक बार रीड कर लेने। इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।